सो गाइस, यहाँ पे गर्मी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हो रही है और हम फ़ैन यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लावा ब्लेज 2 का चार्जिंग टेस्ट करेंगे इस गर्मी वाले मौसम में। देखेंगे इसकी कितना टाइम लेता है। बेसिकली इसमें 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है एंड गाइस, ये फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है एंड इस प्राइस रेंज में 18 वाट दे दिया, ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। सो गाइस, हर 10 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना बैटरी परसेंटेज चार्ज हुआ एंड साथ ही गाइस कितना हीट को गेन किया या लूज किया, हीटिंग इशू है या नहीं, सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। कितना टाइम लगेगा, सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। सो दोस्त, देखते रहिए वीडियो को एंड तक। एंड वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा लावा ब्लेज 2 एंड इसमें आपको बैक पे ग्लास देखने को मिल जाता है जिसके वजह से चार्जिंग टाइम या ऐसे नॉर्मल यूज़ में भी थोड़ा आपको टेम्परेचर ज़्यादा फील होता है। बट इस एक्चुअल में हम टेस्ट करेंगे टेम्परेचर गन से कितना हीट होता है। बाकी देख सकते हैं इसके चार्ज को पूरा हम ख़त्म कर दिए हैं एंड यहाँ पर स्विच ऑफ खोलने के बाद भी ये देखेंगे ऑटोमेटिक ही स्विच ऑफ भी हो जाता है क्योंकि चार्ज बिल्कुल नहीं है। बाकी टेम्परेचर देख सकते हैं इस 33.9 है एंड रूम टेम्परेचर अभी 33.5 है। बाकी इस 18 वाट का चार्जर इसमें देखने को मिल जाता है। चार्जिंग में हमने प्लग इन कर दिया है एंड टाइम देख सकते हैं 6:49 हो रहा है। तो देखते हैं कि इसकी कितना देर में कितना ये चार्ज करेगा। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर मेजर कर ले, 38 पे चला गया है अभी एंड नीचे से 35 पे है एंड देख सकते हैं 7 बज चुका है यहाँ पे। बाकी गाइस कितना चार्ज हुआ, तो 11 मिनट में ये 12% यहाँ पे चार्ज हो चुका है। सो गाइस, चलते हैं अब नेक्स्ट। सो गाइस, यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 7:11 हो चुका है एंड जल्दी से फ़ोन की टेम्परेचर मेज़र कर लिया जाए। सो 40 पे चला गया है जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर से एंड नीचे की तरफ से देखेंगे 36.3 पे है। ओके, एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना चार्ज हुआ। सो 25% चार्ज हुआ है 22 मिनट में गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा टेम्परेचर गेन कर लिया है। बाकी दोस्त टाइम देख सकते हैं अब 7:21 हो रहा है एंड टेम्परेचर मेज़र कर ले, 36.3 है नीचे से एंड फ्रंट से 39.9 है, मतलब ऊपर से बेसिकली। बाकी चार्ज देख सकते हैं 32 मिनट में ये 37% चार्ज हो गया। अब किसी यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 7:32 हो चुका है एंड टेम्परेचर नीचे से देख लें तो 36.7 है एंड ऊपर से देख लिया जाए तो 39.9 है। अभी तक 40 टच नहीं किया है। बाकी चार्ज देख सकते हैं 43 मिनट में 49% चार्ज हो चुका है दोस्त। अब किसी यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। सो टाइम देख सकते हैं 7:42 हो चुका है एंड नीचे की तरफ से टेम्परेचर देख लिया जाए 36.8 है एंड ऊपर की तरफ से 39.7 है। बाकी यहाँ पे 54 मिनट में ये 59% चार्ज किया है भाई, ऑलमोस्ट एक घंटा मतलब 60 मिनट में 60% ऑलमोस्ट। बाकी टाइम 7:52 हो चुका है एंड नीचे की तरफ से 36.7 है, ऊपर की तरफ से 39.6 है। तो टेम्परेचर अभी तक 40 टच नहीं किया। बाकी 1 घंटे 3 मिनट में 59% चार्ज कर दिया गया। अब चलेंगे इस नेक्स्ट। 8:02 हो चुका है एंड टेम्परेचर गन से नीचे देख लें तो 36.6 है एंड ऊपर की तरफ से देख लिया जाए तो 39.8 टच किया है। बाकी देख सकते हैं 1 घंटा 13 मिनट में 79% चार्ज कर दिया है दोस्त। अब दोस्त चलते हैं नेक्स्ट। 8:12 हो रहा है एंड नीचे से देख लिया जाए टेम्परेचर तो 36.4 है एंड ऊपर से देख सकते हैं 38.7 है। अभी थोड़ा सा ड्रॉ हुआ है गाइस यहाँ पे एंड यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटे 23 मिनट में 87% चार्ज कर दिया है। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 8:22 हो चुका है एंड नीचे की तरफ से देख सकते हैं 30.5.3 है एंड ऊपर की तरफ से 37 पता नहीं। ओके, यहाँ पर 93% चार्ज हुआ है 1 घंटे 33 मिनट में गाइस। तो टेम्परेचर अभी लूज़ किया है थोड़ा। बाकी यहाँ पे 8:57 हो चुका है फाइनली एंड टेम्परेचर गन से देख ले 34 नीचे से है एंड ऊपर से 34 ही गाइस है। और यहाँ पे देख सकते हैं 100% चार्ज हो चुका है 2 घंटा 8 मिनट में। सो गाइस, यहाँ पे इतना टाइम ऑलमोस्ट लग ही जाता है 18 वाट से। बाकी ग्लास बैक की वजह से आपको थोड़ा वार्म फील होगा बट एक्चुअल में देख सकते हैं कि 40 भी टच नहीं किया है। तो कोई भी हीटिंग इशू इस फोन में देखने को नहीं मिलता है एंड चार्जिंग स्पीड भी ओवरऑल सही लगा। चार्जर की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, उतना यह भी हीट नहीं है, लेकिन भाई केबल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी बट चार्ज ठीक कर देता है। सो दोस्त, फिलहाल वीडियो में इतना ही। जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।